नमस्कार दोस्तों, अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो मुझे हर वक्त एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए इंस्पायर करता रहता है। मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट की ये सबसे पहली वीडियो है, सो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ये बात है उस समय की जब मैं 10th क्लास में था। रेड क्रॉस सोसाइटी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल्स के दो दो बेस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैंने और मेरी क्लासमेट ने हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। हमारे स्कूल में कोई ड्राइंग को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता था, इसीलिए हमारे स्कूल में कोई ड्राइंग क्लासेस नहीं होती थी। जब ड्राइंग क्लासेस नहीं होती थी तो ड्राइंग टीचर की क्या ज़रूरत। सो इन टोटल सभी स्कूल्स के पास ड्राइंग टीचर था और हम दोनों को उन स्कूल्स के बेस्ट स्टूडेंट को बीट करने का प्रेशर तो था ही, पर उन सब में सबसे महान मेरा अपना बड़ा भाई जो कि एक स्टेट लेवल आर्टिस्ट था, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, तेरी ड्राइंग में कोई दम नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पर बात ये थी कि वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो अपने कॉम्पिटिटर कम करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, तो मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। सो ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन एवरी वन वॉज लोडेड विद देयर वेपन्स। मैं नहीं जानता था कि कौन प्रो है कौन नूब है, सब मुझे प्रो ही लग रहे थे और मैं थोड़ा नर्वस भी था। कुछ ही देर में मेरे भाई का स्कूल भी आ गया। मेरे भाई और उसके दोस्त का नाम चलता था और कुछ नासमझ लोगों ने अपने हथियार लड़ाई से पहले ही डाल दिए। ये क्या बात हुई, आधे ऐसे ही साफ हो गए और जो बचे थे वो भी हाई लेवल के थे। अच्छा है कंपटीशन में अच्छे कॉम्पिटिटर्स ना हो तो कंपटीशन का मज़ा नहीं आता। और इस भाग दौड़ के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। आधा टाइम हो चुका था, मुझे सबके रंग दिख चुके थे। कुछ बच्चों ने रिफ्रेशमेंट पे जोर दिया हुआ था और मैं भी उनमें से एक था। इसी बीच मेरे कानों में उड़ते उड़ते खबर पड़ी कि दो लड़कियों ने मास्टर पीस बनाने पर जोर दे रखा है, तो मैंने सोच लिया था कि मेरा नंबर नहीं आता। उसी बीच उनका ओवर एटीट्यूड वाला टीचर सबको फ्री में एडवाइस दे रहा था और दिमाग खराब कर रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपनी ड्राइंग कंप्लीट की और डिपॉजिट कर दी। मैंने सोचा सब कुछ शांति से हो गया, पर लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। टाइम ओवर हो चुका था, मेरे भाई और उसके दोस्त की ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उन दोनों ने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया और सुपरवाइजर से 10 मिनट और मांगने लगे। सुपरवाइजर ने दोनों को एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया। तो फाइनली सबकी ड्राइंग इवेल्युएट की जा चुकी थी और रिजल्ट आ चुका था। फर्स्ट और सेकंड वो दो लड़कियां ही थी जिन्हें मैंने एक्सपेक्ट किया था, और थर्ड पर सभी मेरे भाई का नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उनकी रिफ्रेशमेंट उनसे ले ली और चाय समोसा ठूंसने में जोर दे दिया। ओह शिट, इट वाज मी। चाय समोसा साइड में रखकर सीधा स्टेज की तरफ भागा। मैंने अपना नाम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी पार्टिसिपेंट की नज़र फर्स्ट और सेकंड की तरफ नहीं थी, मेरी तरफ थी, और मुझे भी थर्ड आने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। फर्स्ट कौन नहीं आना चाहता, पर सबसे कुछ ना कुछ खामियां रह ही जाती है, इसीलिए हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। एक्सक्यूजेज देना अच्छी बात नहीं है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई अच्छा टीचर होता, मुझे गाइड करने वाला होता, तो मुझे भी कुछ अच्छी टिप्स मिलती और शायद मैं भी फर्स्ट होता। पर मेरे पास जो नहीं था वो नहीं था। मैंने मान लिया था, मैंने ठान लिया था अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, और तब से मैंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। आफ्टर देन फाइनली मुझे अपना एक टीचर मिल गया और वो था YouTube। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you very much.